क्रमांक हुआ 233, सारंग पंडित को दर्शन और ऋतु पे नाम का स्पष्टीकरण। एक दिन सारंग पंडित भगवान के दर्शनार्थ घर से निकले तो उस समय गदो नायक ने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। इस पर सारंग पंडित ने कहा कि वे एलोरा में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस पर गदो नायक ने सारंग पंडित को दो फल देते हुए कहा, ये दो फल तुम साथ ले जाओ, वहां जाकर मेरी ओर से भगवान को समर्पित कर देना, फिर उनसे पूछना कि इनका नाम क्या है। इसके बाद सारंग पंडित अपने घर से निकलकर एलोरा में भगवान के पास आए। चरण स्पर्श कर उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। गदो नायक द्वारा दिए गए वे दो फल भगवान को भेंट किए, फिर कहा कि गदो नायक ने इन फलों के नाम के विषय में पूछा है, भगवान आप बताएं इन फलों का क्या नाम है। फिर भगवान ने उन फलों को अपने हाथ में लिया और उन्हें अच्छी तरह से देखकर कहा, पांडे लोगों ने इस फल को अनेक नामों से संबोधित किया है, पर हमारी जानकारी के अनुसार इस फल को ऋतुपे कहा गया है। यह किसी विशेष द्वीप की ही उपज है। लीला का हेतु। गदो नायक द्वारा भेजे फलों का नाम सारंग पंडित ने पूछा तो भगवान ने कहा, लोग इन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं पर वास्तव में इसका नाम है ऋतुपे। परमेश्वर सर्वज्ञ है, उन्हें पर अवर सभी का ज्ञान है। फिर भगवान ने विद्या भी स्वीकार की थी, अतः परमेश्वर नाम बताने में समर्थ है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 233 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 234, केले और रोटियों को स्वीकार करना। दूसरे दिन सारंग पंडित ने अपने खाने के लिए रोटियां बनाई, बाजार से केले और घी ले आए, फिर स्वयं ही भोजन करने के लिए एक तरफ बैठ गए। उन्होंने भर पेट घी के साथ रोटियां और केले खाए। खाने के बाद जो रोटियां घी और केले बच गए थे वे भगवान के सम्मुख रख के उन्हें अर्पण कर दिए। इस पर भगवान ने कहा, पांड्या ये बची हुई रोटियां घी और केले हमें अर्पण कर रहे हो, यह क्या? इस विषय में उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, चुप हो गए। भगवान से आज्ञा लेकर फिर वे वापस चले गए। वहां जाकर उन्होंने गदो नायक को उन फलों के विषय में परिचय देते हुए कहा कि भगवान ने उन फलों का नाम ऋतुए बताया है। लीला का हेतु। सारंग पंडित के मन में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भावना नहीं थी। इस भाव और अभाव के मध्य में ही उनका मन डोलायमान रहता था। पूर्व जन्म में अर्जित दोष रूप प्रसव के कारण सारंग पंडित की ऐसी मनस्थिति थी, पर उन्होंने किसी पूर्व जन्म में परमेश्वर अवतार की प्रसन्नता रूप कर्म प्राप्त की हुई थी, अतः भगवान उनके इस व्यवहार से अप्रसन्न नहीं होते थे, क्योंकि माता के समान ही वे उनके सभी दोषों को क्षमा कर देते थे। उन्होंने उस समय मातृत्व भाव को स्वीकार किया हुआ था। किसी जीव के भले के लिए परमेश्वर खंत अर्थात अप्रसन्नता भी करते हैं। यह खंत मनुष्य वेश के कारण होती है और माया वेश के कारण भी, पर ईश्वर स्वरूप में अप्रसन्नता का भाव नहीं होता। अंक लीला क्रमांक पूर्व 234 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्व 235, गोपाल पंडित को शिकार का परिचय। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद बाईसा ने भगवान के बैठने के लिए मंदिर के आंगन में आसन बिछाया। भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। कुछ देर बाद वहां भगवान के दर्शन के लिए गोपाल पंडित नाम के एक पंडित आए। वे महाराजा महादेव राय के दरबार के वक्ता थे। अनेक विषयों पर भाषण करने की कला को वे जानते थे। उन दोनों ने भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडो प्रणाम किया और वहां भगवान के सम्मुख बैठ गए। भगवान ने सारंग पंडित से पूछा, पांडे ये कौन पुरुष है, इनका क्या नाम है? इस पर सारंग पंडित ने कहा, भगवान ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम गोपाल पंडित है। यह राज दरबार के अच्छे वक्ता हैं, अच्छा भाषण करते हैं। फिर भगवान ने पूछा, ये शास्त्र के आधार पर भाषण करते हैं या अनुमान के आधार पर बोलते हैं? इस पर सारंग पंडित ने कहा, भगवान अनुमान से ही किसी भी विषय पर बोल लेते हैं। फिर भगवान ने गोपाल पंडित को संबोधित करते हुए कहा, बोलो किसी भी विषय पर। इस पर गोपाल पंडित ने शिकार को बुलाने का मंत्र बोला, जाड़ वाड़ कोड़ कौतुक। उसके बाद वीरता का मंत्र बोलते हुए कहा, साव जांचा उठावा दुरे चा लाठू। इन दोनों मंत्रों को बोलने से ना तो वहां शिकार को बुलाने नहीं और ना ही वीरता के मंत्र का प्रभाव पड़ा। फिर भगवान ने बड़े जोर से जब शिकार को बुलाने का मंत्र पढ़ा तो वहां बैठे बाईसा आदि सभी भक्तिजन भयभीत होकर भागने को तैयार हो गए। वैसे ही वहां बैठे राजपूत आदि लोग डर के मारे भागने लगे। उसके बाद जब भगवान ने वीर रस से भरे हुए मंत्र शब्दों का उच्चारण किया, जैसे दुरेचा लाठू,
तो वहां बैठे राजपूत और राजा, राजा लोगों के मन में वीर रस का पूर्ण रूप से संचार हो गया और उनके साथ हाथ सहज ही तलवारों की मुट्ठ में चले गए। इसके अतिरिक्त सब भक्तिजनों के मन में भी वीरता का भाव उत्पन्न हो गया। वहां बैठे हुए लोगों के मन में असाधारण आश्चर्य उत्पन्न हुआ। इस पर गोपाल पंडित ने भगवान से कहा, भगवान आपने वीरता और जोश से भरे हुए जो शब्द बोले हैं उन्हें हम जैसे लोगों ने कभी सुना भी नहीं है, तो फिर उन्हें हम कैसे बोल सकते हैं। इसके बाद गोपाल पंडित और सारंग पंडित दोनों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और फिर वे वहां से चले गए। लीला का हेतु। मानव रूप धारण किए हुए जीव में जो कलाओं की सामग्री होती है वह उसके अर्जव के अनुसार होती है, वह अभ्यास के माध्यम से उन्हें प्राप्त करता है। परमेश्वर जब मायावेश धारण करते हैं तो उनमें 14 प्रकार की विद्याएं और 64 कलाएं संपन्न हो जाती हैं। परमेश्वर में अवर शक्ति के 42 रूप 42 रूप विद्यमान रहते हैं। परमेश्वर का स्वरूप ज्ञानमय शुद्ध और बुद्ध है। यह कार्य अवर लीला के अंतर्गत आता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 235 235 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।